क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो, बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। You have to solve by method of cross multiplication. देखते सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है मेरे पास। अच्छा किसी बच्चे को ओके तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए फटाफट कर दें। मेरे पास सबसे पहले अब्बास का आंसर आ गया, फिर आगम का है। There's an x, there's a y, and there's a one. भेज नहीं पा रहा। B A A B A B B A, सही है? So first we go down, then we come up. So that's B square minus A square. Y upon A B minus A B. One upon A square minus of B square. अब देखो यहाँ से क्या पता चला, अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर करा तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन आ गया, सही है ना? और y को कंपेयर करा तो डिनोमिनेटर जीरो है, तो y का क्या पता चला यहाँ से, ये डिनोमिनेटर नहीं है एक्चुअली, ध्यान रखना। x अपॉन समथिंग का मतलब ये नहीं है कि इसकी डिनोमिनेटर में लिखा है, ये हम एक तरीका है लिखने का बता रहे हैं, ठीक है? ये सॉल्विंग करो, ये वाला सॉल्विंग करो और ये वाला सॉल्विंग करो और इनका डिविजन कर दो आप, ठीक है ना? हम एक्चुअली ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, एक्स का वैल्यू माइनस वन आया और वाई का वैल्यू मेरे पास जीरो आ गया। Yes, तो सबसे पहले अब्बास का आंसर आ गया मेरे पास। अब्बास एक बार लेकिन चेक कर लो, आगम का बिल्कुल ठीक है मेरे पास आ गया है, अक्षत का भी ठीक है, कुतुब खान का भी आ गया है। सर सर एक बार एक्स का बता दो सर। ये देखो ना बेटा लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, एक्स क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन मिस्टेक हुई सर, वो माइनस वन ही था ना? हाँ ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छे। नवदा का भी आ गया, आयुष का भी आ गया है, ठीक है बाकी सब। हाँ हाँ सर पता चल गया सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ चलो मैं, ठीक है ना? लेट्स गो विद अनदर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन इज चलो इसको ले लेते हैं, टू टाइम्स या थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, चलो ये ले लेते हैं। a माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है मेरे पास। x is equals to a आ रहा है, अक्षत का आंसर आ गया मेरे पास सबसे पहले, a और माइनस बी। अच्छा बिल्कुल सही, परफेक्ट, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आयुष का भी आ गया a और माइनस बी।
ओके मेरे पास आंसर आते जा रहे हैं, बिल्कुल राहिल का भी आंसर आ गया है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन डाउन। तो पहले जो सेकेंड इक्वेशन है उसको रीराइट करना पड़ेगा आपको। ए प्लस बी टाइम्स एक्स, ए प्लस बी टाइम्स वाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, वाई और वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, एक्स के नीचे हमेशा वाई वाले लिखते हैं हम। तो वाई वाले लिखते हैं मतलब पहले ये और ये लिखेंगे। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर हम नेक्स्ट क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन में वाई तो जीरो है ना, कहाँ जीरो है, वाई के कोएफिशिएंट है ना ये, ओपन करना पड़ेगा ना सर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यस यस आयुष, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी माइनस बी लिख के ए प्लस बी ब्रैकेट कट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छा तुमने मुझे बता दिया, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये चीज से तो बहुत आसान हो जाएगा काम हमारा, बहुत अच्छे। इसको फैक्टराइज कर दिया पहले आपने, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम बहुत कम हो गया, ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, वेरी गुड, ठीक है ना। तो a प्लस बी कट गया आपके लिए, बहुत अच्छा काम कर दिया आपने। तो अब ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो री राइट क्या हो जाएगा, a प्लस बी टाइम्स x कट गया, तो ये सीधा सीधा बन गया x प्लस वाई माइनस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास, तो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ऊपर में बन रहा है ए प्लस बी, नीचे में बन रहा है वन, फिर क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी, है ना, और ये क्या बन रहा है माइनस ऑफ ए प्लस बी, सही है। ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा, क्यों सर, ब्रैकेट इधर इधर साइन चेंज, ए माइनस बी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए माइनस बी, यस। अब y और 1 के बीच में फिर क्या लिखेंगे हम वापस से, नेक्स्ट कोएफिशिएंट्स a माइनस बी और 1, और फिर क्या रिपीट करेंगे a प्लस बी और 1, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, x के नीचे तो आपके पास आ जाएगा x अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, y अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस तो प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यस इज इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस बी माइनस ऑफ ए प्लस बी, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स के नीचे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से कट गया, ए स्क्वायर से कट गया, तो एक्स के नीचे माइनस टू ए बी आ गया, यही आ रहा है। वाई के नीचे माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर से कट गया, माइनस टू ए बी से कट गया, तो वाई अपॉन टू बी स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे वन अपॉन के नीचे क्या आ रहा है, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस टू बी आ रहा है, यही आ रहा है सबका। एक्स आ जाएगा यहाँ से ए, और वाई आ जाएगा यहाँ से हमारे पास बी विद नेगेटिव साइन, तो वाई आ जाएगा माइनस बी, सही है। एक्स ए आ गया, वाई माइनस बी आ गया, बिल्कुल सारे बच्चों का मेरे पास अच्छा आंसर आ गया है, ठीक है। सबसे पहले अक्षत, आयुष, राहिल, गर्व, सक्षम और निगम, ठीक है, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप नाउ ऑफ सॉल्विंग। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिबल टू, एक मिनट ऊपर करो, यस बेटा लिख लो लिख लो। जब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन दिखेगा नहीं लेकिन वो रिड्यूस हो जाएगा। हाँ बेटा बताओ,
सर ये वाले क्वेश्चन में तो फिर मतलब वो जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें अगर वो कट हो जाता है तो फिर x plus y a minus b आ जाएगा, तो फिर उधर से तो वैल्यू से पता चल जाएगी ना। कैसे पता चलेगी डायरेक्टली, मैं समझा नहीं क्या कट। सर देखो x, सर ये दूसरी इक्वेशन जो है ना a plus b कट कर दिया दोनों साइड से। ओके, ये बचा। हाँ तो x plus y is equal to a minus b आ जाएगा। हाँ तो x x x a को सब्स्टिट्यूट मतलब a को x गिन लेते हैं और b y को माइनस b। वो तो ट्रायल एंड एरर से तो आप हमेशा से ही कर रहे थे ना, ये तो अभी हम मेथड्स देख रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आपने काटा कुछ भी किया, बच तो आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में ही रहा पेयर में, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। ये तो चलो आप सब बच्चे अपने लेवल पे वो तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, किसी को क्लिक होगा किसी को नहीं होगा। तो क्लिक अगर नहीं हो रहा है तो जनरल मेथड तो यही है, जो मेथड आपको स्कूल में दिखाना पड़ेगा वो तो यही दिखाओगे ना। अगर बोला है क्रॉस से करो ठीक है, अगर बोला एलिमिनेशन से तो करना पड़ेगा एलिमिनेट करके, है ना। और क्योंकि कोई भी स्कूल एग्जाम में तो नहीं बोलेंगे ना कि आप ट्रायल एरर से डाल के वैल्यूज बता दो, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ ये yes. जो ट्रायल एरर सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है, जो भाई वैल्यू पुट करके ही मैंने देख लिया जो सेटिस्फाई कर दिया आंसर आ गया, तो वो हम एमसीक्यू में कर सकते हैं। ये सब बस बताओ सर। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम देखो, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या चाह रहे हो कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज क्यों करते हैं, इसका काम क्या है। यस, तुम्हारा क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज क्या है। कोई यूज नहीं है, मैंने खुद अपनी लाइफ में कभी यूज नहीं करता इसको मैं, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यूज ही नहीं करते, हम जब एलिमिनेशन हमारे पास अच्छा मेथड है हम क्यों यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप तब यूज कर सकते हो जब आपको यू आर इन अ पोजिशन टू मेमोराइज द रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट डायरेक्टली याद रखते हो तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई मेथड नहीं है, ये एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको लिखने का तरीका है कि उस रिजल्ट को मैं कैसे फटाफट लिख सकता हूँ, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अगर आपको लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरा सॉल्विंग आसान हो गया है तो आप उसको यूज करो, अगर आपको लगता है कि एलिमिनेशन से मेरा काम आसान है तो आप एलिमिनेशन के साथ जाओ, सब्स्टिट्यूशन से लगता है तो आप सब्स्टिट्यूशन के साथ जाओ। हाँ लेकिन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है यू हैव टू सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, रिड्यूसिबल टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। रिड्यूसिबल टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं लेकिन मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, देखो आप 1/2 × 2x + 3y प्लस 12/7 × 3x - 2y = 1/2। दूसरी इक्वेशन आपके पास स्क्रीन पे लिखी हुई है वो है 7/2x + 3y + 4/3x - 2y = 2, ठीक है। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, दिस वन एंड दिस वन। अब मुझे इनको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x एंड y, तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ बताओ। अब ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं बट मैं इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं कैसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ आप एक बार देखिए, एक बार ऑब्जर्व करो इसको। मैंने क्या करा, 1/2x + 3y देखा दोनों में कॉमन है, यहाँ 1 मान लो और 2x + 3y कॉमन मान लो, ठीक है। दूसरा मैंने क्या ऑब्जर्व करा, मैंने ऑब्जर्व करा 1/3x - 2y, 1/3x - 2y ये भी दोनों में कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, what do I do is I try to write 1/2x + 3y as capital A और 1/3x - 2y as capital B। मैंने क्या कर लिया, इसको capital A और capital B ले लिया। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, देखो ध्यान रखना ये बन जाएगा a/2, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा a/2 प्लस 12/7 × b = 1/2। ये समझ आ रहा है सबको? दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7a + 4b = 2। यस,
यस और नो, सबको समझ आ रहा है? यस सर। इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको सॉल्व कर सकते हैं? कर लेते हैं, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इन द फर्स्ट केस इफ आई टेक क्या हो जाएगा, 7a 24b इज इक्वल टू 7, 7a 24b 7, नेक्स्ट 7a 4b 2, सबट्रैक्ट कर लेता हूं, क्या हो जाएगा 20b इज 5, b इज 1/4, b क्या हो गया 1/4 आ गया, इज इट क्लियर? एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया मैंने इसको, ठीक है, b 1/4 हो गया। अब b 1/4 हो गया तो मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्या दिया हुआ है 7a plus 4b equals to 2, तो 7a plus 4 times b क्या है 1/4 is equals to 2, तो 7a will be equal to 1, तो a will be equal to 1/7, तो b 1/4 है, a 1/7 है, is it clear? अब काम की बात पे आ जाते हैं, सबने ये लिख लिया है, एक बार यहां तक लिख लो आप लोग, सब लोग यहां तक लिख लें। क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन ये था, पहले लिख लो, ये हो जाता है बताना, मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। सबने लिख लिया ये वाला? यस सर। यस हृदय का आंसर आ गया मेरे पास, यस हृदय। चले और नीचे देखें, ठीक है, डन है ये वाला? तो ए का वैल्यू 1/7 आ गया है, बी का वैल्यू 1/4 आ गया है। अब हमने अगर देखें तो एजम्पशन क्या करा हुआ है, ए इज 1/2x + 3y, तो 1/2x + 3y इज नथिंग बट 1/7। नेक्स्ट हमने एजम्पशन क्या करा है, 1/3x - 2y, तो 1/3x - 2y मेरे पास कितना दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयर बोलो या क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो, कुछ भी बोलो आप, तो यहाँ से क्या पता चलेगा आपको, इक्वेशन बन गई 2x + 3y = 7, यस। और यहाँ से क्या बन गई, 3x - 2y = 4। इसमें किसी को डाउट है? डिनोमिनेटर्स इक्वेट कर दिया, सोचो एक ही बात है, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, we will be solving by method of elimination, ठीक है ना। तो elimination से क्या जाएगा, 4x + 6y = 14, next 9x - 6y = 12, तो आ जाएगा 13x = 26, x = 2, सही है। x का वैल्यू 2 आ गया, तो किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लो आप, इसमें कर लेते हैं, तो 3 × 2 -of 2y = 4, 2y = 2, y = 1, तो आंसर क्या जाएगा आपके पास, 2,1 इज योर आंसर, ठीक है। यस सर।
ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लें, सबका कंप्लीट हो गया ये वाला? यस सर, यस सर, यस सर। लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन जिसको आपको रिड्यूस करना है और सॉल्व करना है। इसमें वैरायटी बहुत सारी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। एक देता हूँ सेम टाइप का, आप करके दिखा दो मुझे। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई।